अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं रेसिपी लाई हूँ कोफ्ता आलू बनाने की। ये गोश्त है 800 ग्राम। ये कीमा लाए थे, लाकर अच्छे से धोकर इसे बिल्कुल बारीक करके इसे पीस लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरा पानी निकल गया है। इसे मैरिनेट करने के लिए एक बड़ा प्याज इसे तल लिए थे, ये तली हुई प्याज है। एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चा, उसमें कुछ लाल मिर्चा भी थी उसे भी कट कर दिए, ये देने से अच्छी होती है। 500 ग्राम आलू, इसका छिलका उतार कर इसे भी अच्छी तरीके से धो लिए हैं। ये कुछ पाउडर मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्चा का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चा तीखी वाली, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा प्याज इसे महीन महीन इस तरीक़े से कट कर लिए हैं। और ये 2 प्याज है जिसका पेस्ट बनेगा, ये 2 प्याज, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट। बस इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं लगेगी, बस इतनी ही चीज़ लगती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगती। लगती तो बहुत कुछ है, मगर मैं आज बहुत नॉर्मल वाली कोफ्ता आलू की सालन बनाने वाली हूँ। प्याज का और गरम मसाला का पहले इसका पेस्ट बना लेती हूँ, मिक्सर में डालकर इसे पीस लेती हूँ बिल्कुल महीन और बारीक। ये प्याज और गरम मसाला का पेस्ट बना लिए हैं अच्छी तरीके से, इसे बिल्कुल बारीक महीन पीस लिए हैं। पहले इस गोश्त को मुझे मैरिनेट करना है, मैरिनेट करके इसका कोफ्ता बनाना है। नमक टेस्ट के हिसाब देना है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर देना है, काली मिर्च का पाउडर देना है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है, ये प्याज इसे भी गोश्त में डाल देना है, ये हरा धनिया और हरी मिर्च इसे भी डाल देना है, 2 से 3 चम्मच इसमें थोड़ा तेल दे देना है, उसको इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। ये गोश्त को खूब अच्छी तरीक़े से इसे मैरिनेट करना है। ये जितनी अच्छी से मैरिनेट करेंगे हमारा कोफ्ता उतनी अच्छी बनेगी। खूब अच्छे से इसे मिक्स करना है हाथों से इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब छोटे ये बड़ा साइज पर आप अपने हिसाब से कोफ्ता बना सकती हैं। इसमें बहुत कम चीज़ लगती है, लेकिन ये टेस्टी बहुत बनती है और बहुत अच्छा इसका जायका आता है। इसे एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाथों में इस तरीक़े से तेल लगाएं और लगाकर इस तरीक़े से बड़े या छोटे साइज पर आप अपने हिसाब से इस तरीक़े से कोफ्ता बनाएं। अगर आपको बड़ा लग रहा है इस तरीक़े से निकाल दें, हाथों से खूब अच्छी तरीक़े से ऐसे इस तरीक़े से ऐसे ऐसे करना है। इस तरीक़े से हाथों से दबा दबा कर ये देखिए इसी तरीक़े से सारा कोफ्ता बनेगा। ये देखिए ये कोफ्ता भी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, हमें सबसे पहले आलू फ्राई करना है। इसमें तेल डालना है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें आलू डाल देना है। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी इसमें फूड कलर डालना है, थोड़ी सी नमक डालना है, बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। ये 2 चीज देकर इसे अच्छी तरीके से आलू को फ्राई करना है। आप बिना फ्राई के भी बना सकती हैं, लेकिन फ्राई करने से ज़रा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है और अच्छा इसका जायका बढ़ जाता है और अच्छी भी लगती है देखने में। ये देखिए आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, अब ये आलू पूरा सारा निकाल लेना है। आलू फ्राई करके निकाल लिए, इसी तेल में ये प्याज को फ्राई करना है। फ्राई हो गया, इससे ज़्यादा और फ्राई नहीं करना है, अब इसे उतार लेना है। कुकर चढ़ा दिए
कुकर में अब ये तली हुई प्याज और तेल का साथ इसे डाल देना है। प्याज पिसा हुआ इसमें डाल देना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देना है। तली हुई प्याज डाला, पिसा हुआ प्याज डाला और अदरक लहसुन के पेस्ट डाला। अब इसमें नमक डालना है। आप ये मसाला किसी डेगची में भी बना सकती हैं, किसी कढ़ाई में भी बना सकती हैं, भूनकर कोफ्ता डाल दीजिए। लेकिन कुकर में बनाने से क्या होती है कि टाइम कम लगता है और अच्छी भी बनती है, टेस्टी भी बनती है, जल्दी भी बन जाती है। टेस्ट के हिसाब डालना है। ये जितना पाउडर मसाला था ये भी डाल देना है। ये बहुत कम चीज़ में ये कोफ्ता बन जाती है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि कम चीज़ में बनती है तो टेस्टी नहीं बनती। ये कम चीज़ में भी बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं देना है, बस 4 से 5 सीटी इसमें लगा देना है। सीटी लगाने से क्या होता है कि हमारा मसाला अच्छी तरीका से पक जाती है और भुन भी जाती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। बस इसमें ये ढक्कन ढक कर 5 से 6 सीटी इसमें लगाना है। ये देखिए 4 से 5 सीटी इसमें लग चुका है ये मसाला में। अब इसे खोलकर देख रही हूँ। ये देखिए 4 से 5 सीटी लगाए हैं, कितनी अच्छी तरीक़ा से मसाला भून गई है और हमारा मसाला पक भी गया। बिल्कुल भी इसमें महक नहीं है, ना मसाला, न अदरक लहसुन की और न प्याज की। अब जो ये कोफ्ता बना कर रखा था ये आस्ते आस्ते करके ये सारा मसाला मैं इसे बिछा दूंगी। आप चाहे तो फ्राई करके भी दे सकती हैं, लेकिन फ्राई किए बगैर भी मैं बनाऊंगी। ना ही ये कोफ्ता फटती है, ना ही चूर होगी, ना ही कुछ होगी, बहुत अच्छी बनेगी इस तरीक़ा से। बिस्मिल्लाह। सारा कोफ्ता देखिए ये मसाला में डाल दिए हैं। अब ये डालकर इसे अभी नहीं चलाना है, कम से कम इसे इस तरीक़ा से 3-4 मिनट के लिए इस तरीक़ा से ढक देना है। इसे ढकने से इसके भाप से ही ये कोफ्ता हमारा टाइट हो जाएगी और चूर भी नहीं होगी। उसके बाद हमें चलाना है। ये देखिए 4-5 मिनट कोफ्ता डालकर इसी तरीक़ा से ढककर छोड़ दिए थे। अब चलाकर देख रही हूँ। ये देखिए एक जरा सा भी हमारा कोफ्ता टूटा नहीं और ना ही फटा, कितनी अच्छी तरीक़े से बिना फ्राई किए बनी है। ये थोड़ा देर इसे और भूनना है। कोफ्ता डालकर इसी तरीक़ा से 10 से 15 मिनट से मैं इसी तरीक़ा से भून रही हूँ। ये देखिए खूब अच्छी तरीक़ा से ये भून गई है, खूब अच्छा। एक ज़रा सा भी इसमें कुछ भी मसाला नहीं है खड़ा, पूरा मसाला हमारा गल गया, मसाला भी भून गया, कोफ्ता भी भून गया। अब चाहे तो इसमें आप इस तरीक़ा से भी उतार सकती हैं और चाहे इसमें थोड़ा ग्रेवी लगाकर उतार। इसमें आलू देकर हमें अपने ज़रूरत के हिसाब इसमें ग्रेवी लगाना है। आप चाहें अगर ग्रेवी नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी खा सकती हैं। आलू देकर इसी तरीक़े से 2 हाथ को भूनना है। 2 हाथ इसे भून कर इसमें मुझे ग्रेवी लगाना है। देखिए कोफ्ता एक ज़रा सा भी हमारी फटी नहीं है, ना ही टूटी है। आलू डालकर भी इसी तरीक़ा से 2-3 मिनट भुना है। भुनने के बाद अब इसे इसमें ग्रेवी लगा देना है। अच्छी से भुन गई है, अब हमें इसमें ग्रेवी लगाना है। बस इससे ज़्यादा और ग्रेवी नहीं हमें लगाना है, बस इतने की ज़रूरत था, मुझे इतना ही लगाना है। बस इसमें सिर्फ 1 सीटी होगा। सीटी होने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है और कुकर का ढक्कन को खोलना नहीं है। बस कुकर का ढक्कन का जब तक इसमें गैस रहेगा जब तक हमें ढका हुआ रहने देना है। जब कुकर का पूरा गैस निकल जाएगा, कुकर ठंडा हो जाएगी थोड़ा, उसके बाद मैं खोल कर दिखा रही हूँ। देखिए इसमें ग्रेवी लगा दिए हैं। अब लगाकर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। बस हमारा सालन बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। ये ढक्कन लगा के सिर्फ 1 सीटी होगा, गैस का फ्लेम बंद कर देना है।
देखिए एक सीटी लगाकर कुकर में गैस का फ्लेम बंद कर दिए थे और कुकर इसी तरीका से छोड़ दिए थे। अब ये खोलकर देख रही हूँ, देखिए इसमें एक ज़रा सा भी गैस नहीं है, बिल्कुल निकल गया है। ये देखिए सिर्फ एक सीटी लगाए थे, एक सीटी से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाए थे, एक सीटी में बिल्कुल परफेक्ट रेडी है हमारा सालन। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आसान सी बहुत इजी तरीका से हमारी बनकर कोफ्ता आलू की सालन बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बनाएं, खाएं और बताएं ये कैसी बनी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।